तो देखिए स्वागत है आपका। लगातार इसी पर हम बने हुए हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जिस तरीके से जंग के हालात बने हुए हैं, बहुत सारे सवालों को जन्म इसने दिया कि इजराइल आखिर क्यों फेल हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये, मोसाद सबसे बड़ी और बेहतरीन खुफिया एजेंसी कही जाती है इजराइल की, लेकिन वो भी फेल। मोसाद क्या है ये आप जान लीजिए। इसराइल की खुफिया एजेंसी है, 1949 में ये बनी थी। साथ ही मोसाद क्यों मशहूर है आप जानिए, कई बड़े ऑपरेशन इसने किए हैं और नाम सुनकर आतंकी थर्राते हैं ये कहा जाता है। बिल्कुल दीपा, मोसाद की धाक दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी मानी जाती है। मोसाद का दूसरा नाम भी आपको बताएं, आतंकियों की किलिंग मशीन भी से कहा जाता है। तो दुनिया की टॉप एजेंसियां इससे थर्राती थी। देखिए हमास की साजिश की भनक तक नहीं लग पाई और मोसाद को हाईटेक जमीनी बॉर्डर ध्वस्त किया हमास ने, वो अंदर दाखिल हुआ। कुछ आतंकियों ने समुद्री रास्ता भी चुना, यानी कि जल नभ थल हर जगह से वो एंट्री करते गए। पैराग्लाइडर के जरिए आतंकी घुसे, हजारों रॉकेट इकट्ठा करने, साथ ही धागने में भी कामयाबी उन्होंने हासिल की। तो पैराग्लाइडर का सहारा लिया, रॉकेट इकट्ठा किए और साथ ही धागने में भी यहाँ पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई, जिसके चलते यहाँ पर मोसाद फेल होता हुआ नजर आया। और देखिए कर्नल दानवीर लगातार बने हुए हैं, अभिषेक भी लगातार हैं, आशीष कुमार सिंह भी लगातार हैं। आशीष जी एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि इतिहास ये बताता है या फिर वो गवाही भी देता है कि इसराइल को जब जब जिसने छेड़ा उसको इसराइल ने छोड़ा नहीं, लेकिन ताज़ा जो सिनेरियो बन रहा है आशीष, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और ये मोसाद की बात हम कर रहे हैं वो फेल साबित हुआ, आयरन डोम की बात कर रहे हैं वो फेल हुआ, कैसे और किस तरीके से अब आगे बढ़ता हुआ इसराइल नजर आएगा आपको? देखिए उनकी इजरायली एजेंसी क्यों फेल हुई, ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात है। नींद में थे, किसी हनी ट्रैप में थे, अब इस पर क्या कमेंट किया जाए, ये तो उनके असेसमेंट पर छोड़ा जाए कि इसराइल को इतनी बड़ी चोट पहुंची तो पहुंची कैसे, वो भी नेक्स्ट डोर इमीडिएट एनिमीज से। ये किधर की तरफ जा रहा है? देखिए जिस तरह से हम हाल फिलहाल देखे, अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, पंजशीर के साथ लड़ाई हुई, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, ये मुझे लगता है कि तीसरी एक बड़ी जंग हम अपने जीवन काल में देख रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकता है, इनिशिएट हो सकता है, अगर इसको समय रहते कंटेन नहीं किया गया। अभी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, जिस तरह से अटैक किया इसराइल में घुस करके, और अब इसराइल जिस तरह का जवाबी कार्रवाई कर रहा है, नॉट जस्ट हमास पैलेस्टीन के खिलाफ बल्कि लेबनन के खिलाफ भी। और अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो नेबरिंग दूसरे कंट्रीज हैं, सीरिया अपने आप में इतना डिस्टर्ब्ड एरिया है, अगर इन जगहों पे भी आग पहुंच जाती है और समय रहते इसको कंटेन नहीं किया जाता है, तो मुझे लगता है कि बात बहुत बिगड़ जाएगी और जंग के हालात निश्चित तौर पर और ज्यादा गहरे होते जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक आपसे एक सवाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में अभी तनातनी का माहौल, उस तरीके से अब ये जंग छिड़ गई, तो ऐसे में ये जंग और कितनी एस्केलेट होगी, अब क्या कुछ आगे होगा? देखिए सबसे जो अहम बात यह है इसमें कि इसमें अब जो जो जिन जिन किरदारों की एंट्री होगी वो इस जंग का नेचर और कैरेक्टर तय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक एंट्री हो चुकी है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं इसमें यूएस में हूँ, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि वो पूरी तरह से इस लड़ाई में इसराइल के साथ खड़े हैं। अभी दूसरी ओर से भी आप ऐसा एस्केलेशन देखेंगे, चूंकि ये जो लड़ाई है जो यूक्रेन के साथ जो यूक्रेन के वार में हुआ है उसका एक तरह से उसका भी रिटेलिएशन यहां पर होगा, जिस तरह से रूस यूक्रेन के वार में अलग थलग पड़ा है, रूस इस मामले में अमेरिका का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब विरोध और समर्थन में अभिषेक जो कैरेक्टर्स खड़े दिखाई देंगे उसके बाद इस युद्ध की जो आगे की तस्वीर है वो साफ होगी इस जंग की। कर्नल दानवीर देखिए सर, मोसाद जो फेल हुआ वो बहुत चौंकाता है, खुफिया एजेंसी जिसको कहा जाता है बेहतरीन है दुनिया भर में, इसकी बहुत सारी बातें हमने पहले भी देखी है, वो फेल हो जाता है और उसके साथ आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन भी इसमें है, अब क्या है चैलेंज इसराइल के सामने सबसे बड़ा इस वक्त? देखिए इसराइल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपने अस्तित्व को बचा के रखने का है। जिस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड लामबंद हुआ है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिकन लेड जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसने एक इच्छा जाहिर करी है कि वो इसराइल के साथ खड़े रहेंगे, इससे काफ़ी खौफनाक फ्यूचर नज़र आता है इस पूरे इलाके के अंदर अगर ये टाइम से इसको कंटेन और कंट्रोल ना किया गया। अभिषेक का एक पॉइंट बहुत बेहतरीन है और वो ये है कि रूस का भी इस पूरे खेल के अंदर रोल हो सकता है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए इसराइल के ऊपर अगर खतरा बनता है, इसराइल अगर इस जंग में ऐसी एक जंग के अंदर फंसता है, तो अमेरिका और अमेरिका के एलाइज का फोकस
इसराइल की तरफ हो जाएगा और यूक्रेन के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि अगर अरेबिया और इसराइल के बीच में दोस्ती हो जाती है तो उसका खुद का जो स्टैंस है, जो खुद का जो उसके जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है, सर, ये वो खतरे में पड़ जाते हैं। आप बता रहे हैं वो अगर वाकई में ऐसा है तो ये मामला तो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, युद्ध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कर्नल दानवीर हमसे जुड़ने के लिए भी, और आशीष आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी शुक्रिया। इस जंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। ABP News आपको रखे आगे।